लोग देखते हैं चंद्रमा को, होकर आकर्षित उसके सौंदर्य से। उस अंधेरी रात में जब वह दिखाता है पथ फैलाकर अपनी चांदनी, जो चलते हैं वे लेकर उस चांदनी का सहारा चले जाते हैं आगे, पर जो नहीं चलना चाहते और शायद चलना चाहते भी नहीं थे कभी, वे ढूंढने लगते हैं धब्बे चंद्रमा के मुख पर, भूल कर उसका प्रकाश। हां, वही चांदनी जिसके सहारे ही तो वे देख पा रहे थे इन धब्बों को। नहीं दिखाता यदि स्वयं चंद्रमा इन धब्बों को, तो क्या वे देख पाते उन्हें? कहते हैं अनेक, उसकी चांदनी स्वयं अर्जित नहीं, ली है उसने सूर्य से। उसका है ही क्या, खड़े खड़े वे देखते हैं उसमें बस धब्बे, पर जो चलते हैं सहारे चांदनी के पथ पर उस अंधेरी रात में, वे जानते हैं कि भले ही चंद्रमा का प्रकाश स्व अर्जित नहीं, पर वह चलने वालों के लिए अपने धब्बे दिख जाने का डर छोड़कर भी कम से कम प्रकाश प्रतिबिंबित तो कर रहा है कि शायद कोई चले जो चाहता हो चलना, पर भटकता हो अंधेरे में, उसी के लिए तो कर रहा है प्रतिबिंबित प्रकाश वह, दिखाते हुए भी अपनी कमियां सारी, दिखा रहा है राह वह। पथिक देना धन्यवाद उसे जिसकी चांदनी के सहारे तुम चल पा रहे हो इस घने अंधकार में, देकर धन्यवाद उसे जो खो जाएगा क्षितिज के उस पार। पथिक, रखना उसकी याद जिसने दिखाया है तुम्हें पथ अंधेरों में, फैलाकर अपनी चांदनी और नहीं छुपाए थे अपने धब्बे, दिखाने को रहा उसे जो चला है पथ पर जीवन के। पथिक, करना मौन नमन और बढ़ जाना आगे, तुम्हारा चलना ही तो करेगा सार्थक चांदनी को, जो की थी प्रतिबिंबित उसने दिखाने को राह अंधेरों में, उसके लिए जो चलेगा। पथिक, चलते जाना मत रुकना, छू लेने को क्षितिज, बस चलते जाना।